warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all of you in our lecture series on political science. Today we will discuss politics as an art of possible. ठीक है, पॉलिटिक्स को आर्ट ऑफ पॉसिबल भी कहा जाता है, जैसे इसका नाम इस चीज़ को बता रहा है कि पॉलिटिक्स जो है वो आर्ट ऑफ पॉसिबल है, किसी भी चीज़ को मुमकिन कर दिखाने का नाम है. ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब भी की जाती है पॉलिटिक्स में तो उसका कोई ना कोई एम होता है, और अगर हम उस एम को एक वर्ड में बयान करें तो अपना इंटरेस्ट अचीव करना होता है. अगर हम देखें तो बीइंग अ स्ट्रगल पॉलिटिक्स क्या होती है, ये पॉलिटिक्स क्या होती है, स्ट्रगल फॉर पावर होती है, इन्फ्लुएंस होती है, अथॉरिटी होती है. ठीक है, इन चीज़ों के लिए जो है एक स्ट्रगल होती है, और ये पॉलिटिक्स जो होती है इट इज़ फुल ऑफ लॉट ऑफ लाइज. ठीक है, बहुत ज़्यादा झूठों से, मतलब लातदाद झूठ इसमें शामिल होते हैं. ठीक है, इसी तरह वायस शामिल होते हैं, फ्रॉड शामिल होते हैं, गाइस शामिल होते हैं, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, फ्रॉड शामिल होते हैं. ये किसके लिए शामिल होते हैं, और हाफ ट्रूथ शामिल होता है, आधा सच आधा झूठ, किस लिए, फॉर द सेक ऑफ अटेनिंग अथॉरिटी, फॉर द सेक ऑफ अटेनिंग पावर. और इंसान इन चीज़ों का सहारा क्यों लेता है, सिर्फ एक चीज़ के लिए लेता है कि वो इसके ज़रिए पार हासिल करे. और जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है डिसराइली, ठीक है, ब्रिटिश फेमस प्राइम मिनिस्टर रहा है इन द पास्ट, वो इस बात को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि पॉलिटिक्स वो चीज़ है जिसके लिए आप लोगों पर गवर्न करते हैं, मगर कैसे गवर्न करते हैं, इस तरीके से गवर्न करते हैं कि लोगों को डिसीव करते हैं और अपना एम अचीव करते हैं. और ये अगरचे पॉलिटिक्स आर्ट ऑफ पॉसिबल है, दूसरों को डिसीव करना है, लेकिन डिसीव करने के लिए या इस चीज़ को अपने लिए आर्ट ऑफ पॉसिबल में से अपने लिए पॉसिबिलिटी बनाने के लिए वी हैव टू फॉलो सम रूल्स. ठीक है, लिहाजा पॉलिटिक्स को बतौर गेम रखा जाता है, और कुछ रूल्स के तहत पॉलिटिक्स की जाती है, ताकि वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में आप अपना इंटरेस्ट भी अचीव करें, और रैशनल वे से अचीव करें, और इस रैशनल वे में अपना इंटरेस्ट अचीव करने के साथ साथ आप जो है दुनिया की नज़र में अपनी जो साख्त है, अपनी जो ग्रेस है या इंटीग्रिटी है, उसे भी बरकरार रखें. तो लिहाजा टू कट इट शॉर्ट, इट इज़ एन आर्ट ऑफ पॉसिबल, क्योंकि ये तमाम इम्पॉसिबिलिटीज़ को पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है. तो इट इज़ एनफ फॉर टुडे. थैंक यू.